हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। तो इस वीडियो के अंदर अपन वीडियो नंबर 7 है अपना, फिर से इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। तो फटाफट शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 151 की बात है। 151 से 175 तक को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि समान ऊंचाई से गिराया गया पत्थर तेजी से गिरता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ से अपने एक तो पैराशूट गिराया और यहाँ से एक पत्थर गिराया, तो पत्थर है वो जल्दी आता है जबकि अपना जो पैराशूट है वो धीरे धीरे नीचे उतरता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। पत्थर है पैराशूट से भारी है, पैराशूट में विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पैराशूट एक बड़ा सरफेस क्षेत्र होता है और वायु प्रतिरोध इसके अंदर अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर पैराशूट का जो एरिया है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा एरिया होने की वजह से इसका जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से जो एयर रेजिस्टेंस है, हवा का जो प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा होगा, इसकी वजह से वो धीरे धीरे आएगा। बल्कि जो पत्थर है वो एक तो भारी होगा, कम स्थान गिरेगा, इसलिए वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। तो यहीं पर आपका आंसर जाने वाला सिक के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह है उसमें एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, एक स्पेस क्राफ्ट मान लीजिएगा, कोई भी सैटेलाइट है उसमें एक यदि कोई भी एस्ट्रोनॉट है वो किसी चम्मच को डालता है तो वो क्या होगा। वो चम्मच है सर फर्श पर गिरेगा, यानी जो भी उसका सैटेलाइट है उसके फर्श पर गिरेगा, या एक जगह स्थिर रहेगा, या कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, उपग्रह की गति को पालन करता रहेगा। जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में उपग्रह मूव करता है उसी डायरेक्शन वो चम्मच भी मूव करती रहेगी, या स्पर्श रेखीय रूप से दूर जाएगा, मूव टेंजेंशियली अवे, स्पर्श रूप के दूर से दूर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी के साथ में। जिस जो स्पीड जो डायरेक्शन उपग्रह की होगी सैटेलाइट की होगी वह डायरेक्शन उसकी रहेगी किसकी, स्पून की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथ में केवल एक ही ले जाने की तुलना में प्रत्येक हाथ में एक एक बाल्टी पानी लेकर जाना आसान है, क्योंकि एक कैंडिडेट है ठीक है वो या तो अपने एक हाथ में पानी की बाल्टी लेके जा रहे हैं, या वही कैंडिडेट अपने दोनों हाथों के अंदर पानी की बाल्टी लेके जा रहे हैं ठीक है। तो इसके लिए इजी कंडीशन कौन सी रहेगी ठीक है, इसमें उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा एक बाल्टी में, या वो दो बाल्टी लेके जाएगा दोनों हाथों में, तो किसके अंदर उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा या ज़्यादा उसको डिफिकल्टी रहेगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा आसान है यदि वो दोनों बाल्टी को दोनों हाथों में लेके जाता है तो ये आसान रहता है, यदि वो एक ही बाल्टी में एक ही हाथ में लेके जाएगा तो उसको हार्ड पड़ेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऑप्शन अपन देखते हैं। बाल्टी का वजन संतुलित रहता है, गुरुत्व का केंद्र शरीर के भीतर रहता है, गुरुत्व का केंद्र पैरों के भीतर संतुलन केंद्र के भीतर रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ रहेगा, बिल्कुल सेंटर में, यानी ये वेट ये वेट इसका जो इक्विलिब्रियम रहेगा सेंटर में, और जो ग्रेविटी है वो दोनों कहाँ पर रहेगा, विद इन द फिट उसके पैरों के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे अपना आंसर जाएगा सी के साथ में, सी वाला अपना करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों कहाँ पे लगेंगे, सेंटर में लगेंगे, किसके, उसके पैरों के ऊपर, इसलिए उसको ज़्यादा इजीली रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में निम्न में से कौन सा एक ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, फ्यूल के रूप में, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यूरेनियम अपन इसके अंदर यूज में लेते हैं ठीक है, रेडियम नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा कन्फ्यूजन मत होना, यूरेनियम और रेडियम के अंदर यूरेनियम अपन यूज में लेते हैं, और ब्राणव यूरेनियम 235 को अपन ज़्यादातर यूज में लेते हैं। इसके ऊपर न्यूट्रॉनों की बौछाड़ होती है, आगे ये विखंडन अभिक्रिया के ऊपर काम करता रहता है, किसके ऊपर काम करेगा, विखंडन के ऊपर। नाभिक विखंडन का एग्जाम्पल समझे, न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है किसके ऊपर, विखंडन अभिक्रिया के ऊपर। और इसका अगर आप एग्जांपल देखो विखंडन का, तो विखंडन का जो एग्जांपल होता है वो होता है परमाणु बम यानी एटम बम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसी भी तेलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि, कुछ घर्षण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे अपन। किसी भी तेलीय फर्श पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि, ध्यान दीजिएगा, एक सरफेस है जिसके ऊपर ऑयली ऑयल गिरा है और बाकी एक सरफेस है बिल्कुल साफ है बिना ऑयल वाली, तो इस पर चलना मुश्किल होगा या इस पर चलना मुश्किल होगा, तो बिल्कुल जहाँ पे ऑयल पड़ा है उस पर चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसको फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा, घर्षण नहीं मिलेगा। जितनी ज़्यादा रफ सरफेस होगी उतना ही चलना इजीली रहेगा ठीक है, और जितनी ज़्यादा चमकीली या बिल्कुल तेली सरफेस होगी, ऑयली सरफेस होगी, उस पर चलना मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है यानी बहुत ही कम हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रेश खराब हो जाता है, अधिक विरोध करना पड़ता है, देर इज मोर रेजिस्टेंस, नहीं, यदि ऑयली सरफेस है तो रेजिस्टेंस तो कम ही होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज हाई, फ्रिक्शन भी हाई नहीं होता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस, फ्रिक्शन है घर्षण बल है बहुत कम हो जाता है, इसकी वजह से तेली सरफेस पर चलना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
स्थैतिक घर्षण का निर्देशांक क्या होता है? द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थिर फ्रिक्शन या स्थिर घर्षण उसको बोलते हैं जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप स्थिर करने की कोशिश करते हो। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को आप स्थिर करने के लिए जो फोर्स लगाते हो उसको बोलते हैं स्थिर घर्षण या स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, देखिए आंसर लगा हुआ आ गया। इसमें अपना आंसर जो है इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के कोण के स्पर्श रेखा के बराबर होते हैं। जैसे कि सपोज ये हो गया, इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने एक तो एफ फोर्स लगाया, एक इसके ऊपर ये तो इसका न्यूटन लग रहा है, एक इसको आपने इसको रोकने के लिए इस पर फोर्स लगाया। तो ये जो टेन थीटा होता है ना, टेंजेंट बनता है फोर्स और न्यूटन के बीच में, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन बनता है, ये एफ बराबर म्यू इंटू एन बन जाता है और म्यू बराबर हो जाता है एफ बटे एन हो जाता है, एफ बटे एन हो जाता है। और ये एफ बटे एन वैसे भी क्या बनेगा, यदि आप इसमें बात करो, यदि ये आपका फोर्स लग रहा है, ये न्यूटन है और ये इस पर फोर्स लगा रहे हो आप स्थिर करने के लिए, तो इन दोनों का जो रेशियो वो किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के बराबर, जिसको अपन टेन थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा घर्षण के कोण के स्पर्श रेखा के बराबर होता है, इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जिस कोण को सीमित घर्षण का और परिणामी सामान्य प्रतिक्रिया को सामान्य प्रतिक्रिया कहा जाता है उसे घर्षण का घर्षण कोण कहा जाता है। यहाँ पे डेफिनेशन है छोटी सी, और इसमें आप देखिएगा यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है इस पर यदि ये न्यूटन फोर्स लग रहे हैं और इसको स्थिर करने के लिए आप एफ फोर्स लगा रहे हो, तो इन दोनों के बीच में ये जो थीटा एंगल बन रहा है, तो इसमें आप कह सकते हो कि ये जो एफ बाई एन का जो रेशियो बनता है इसको आप ले सकते हो एज ए एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या इधर से आप ले सकते हो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आप इसका समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्ली को माचिस के डिब्बे पर रगड़ने पर आसानी से आग लगती है क्यों? माचिस की तिल्ली को माचिस के डिब्बे पर रगड़ेंगे तो आसानी से आग लगेगी, इसके पीछे रीजन क्या है? घर्षण से आग लग जाती है, रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से, बल के कारण माचिस की तिल्ली गर्म हो जाती है, या इनमें से कोई? तो यहाँ पर क्या आंसर बनने वाला है, माचिस की तिल्ली है ठीक है, उसके सरफेस पे फॉस्फोरस होता है और इस पर घर्षण माचिस की तिल्ली को रगड़ा जाता है तो आग लगती है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, अपना आंसर हो जाएगा एक के साथ है, फ्रिक्शन में कॉज फायर, जैसे ही तिल्ली घर्षण करेगी घर्षण से आग उत्पन्न हो जाएगी। ये मत कर देना बल के कारण माचिस की तिल्ली गर्म हो जाती है, गर्म वाला नहीं घर्षण वाला अपना आंसर बनेगा, घर्षण से आग लग जाती है। टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? आपने टायर्स देखे होंगे, उनमें से मतलब कुछ कटाव होते हैं, कांट साठ होती है, यानी टेढ़े मेढ़े आपने देखा होगा, बिल्कुल फ्लैट नहीं रखते, उसके अंदर कुछ ट्रीड यानी ये धागे ये धाराएं से छोड़ दी जाती है। इनके पीछे का रीजन क्या है, टायर्स के अंदर अच्छा दिखने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, लंबी उम्र बढ़ाने के लिए, टायर का वजन बढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियसली घर्षण बढ़ाने के लिए अपन टायर्स को ट्रीडेड करते हैं, उसके अंदर ऐसे धागे से धाराएं से खींच देते हैं। यदि एक लड़का एक ट्रेन में बैठा है जो निरंतर वेग पर चल रही है और उसके द्वारा एक गेंद को सीधे हवा में फेंका जाता है तो क्या होगा? एक ट्रेन है जो मूव करके आगे की तरफ, इसमें कोई कैंडिडेट बैठा है, उसके हाथ में बॉल है, उसने ऊपर की तरफ फेंकी, अब ये बॉल कहाँ पे गिरेगी? बॉल ट्रेन के साथ ही आगे निकल जाएगा या ये गेंद इसके पीछे पड़ जाएगी, या कहाँ पे गिरेगी? तो वो बॉल है जस्ट उसके हाथ में ही गिरेगी, उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, हाथ में गिरेगी, उपरोक्त में से कौन है? फॉल इन टू हैंड, उसके हाथ में गिरेगी। इसके पीछे का रीजन यही है, जैसे ट्रेन मूव हो रही है उसकी बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो ये गेंद भी मूव करती रहेगी और इसी के साथ में इसके हाथ में गिरेगी बिकॉज ऑफ मोशन। एक पत्थर को लात मारने पर एक व्यक्ति को चोट का अनुभव होता है किसकी वजह से? ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग ए स्टोन ड्यू टू, कोई व्यक्ति है ठीक है इसको चोट मार रहा है तो इसको भी चोट लगेगी, किसके पीछे का? गति का जो तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यानी एक्शन के विरुद्ध रिएक्शन, तो बिकॉज ऑफ रिएक्शन की वजह से। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर समान त्वरण के साथ बढ़ते शरीर के लिए फॉर ए बॉडी मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यदि जो त्वरण है वो नॉन यूनिफॉर्म है ठीक है, यानी समान नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो दिए गए ऑप्शन में से क्या सही होगा? विस्थापन समय ग्राफ है वो लीनियर बनेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम लीनियर बनेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नॉन लीनियर बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नॉन लीनियर बनेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है लीनियर बनेगा। जब त्वरण नॉन लीनियर है, त्वरण का मतलब नॉन लीनियर, इसका मतलब त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, यदि ए ही चेंज हो रहा है इसका मतलब है समय के साथ वेग चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है, समय के साथ वेग चेंज हो रहा है, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो नॉन लीनियर है, इसका मतलब यही है, सी अपना आंसर हो जाएगा ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, जब त्वरण चेंज हो रहा है, त्वरण नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी नॉन लीनियर बनेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक वेब पदार्थ है जो लुब्रिकेंट्स आर सब्सटेंस विच, लुब्रिकेंट्स किसको बोलते हैं? जैसे गाड़ी मोटरों के अंदर अपन ऑयल डालते हैं, ऑयल भी है जो लुब्रिकेंट का काम करता है, तो इसका मतलब क्या है, घर्षण को बढ़ाता है,
आग लगाने के काम आता है, घर्षण को कम करता है, या आग बुझाने के काम आता है। तो ऑब्वियसली घर्षण कम करने के लिए अपन काम में लेते हैं उसको। तो अपना आंसर हो जाएगा सी के साथ में, ठीक है। जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स के बीच में घर्षण कम करने के लिए अपन लुब्रिकेंट्स यूज में लेते हैं, ठीक है। किसके अंदर? मोटर व्हीकल्स के अंदर। तो इसी प्रकार काम जहीं पर काम पर भी आपको घर्षण कम करना है तो आपको लुब्रिकेंट या स्नैक काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन द रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन की बात हो रही है, कई प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, रोटेटिंग हो गया, या स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। तो इसमें बात हो रही है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है एक तो वस्तु है सीधी स्लाइड होकर आ रही है, और रोटेटिंग रोलिंग का मतलब ये रोल होते हुए आ रही है, ठीक। तो इसमें बात हो रही है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या फ़र्क होगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी के साथ में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग रिड्यूसेज, ध्यान दीजिएगा, आर आर नोट कर लीजिएगा। रोलिंग रिड्यूस करेगा किसको? फ्रिक्शन को। जबकि स्लाइडिंग क्या करेगा? इंक्रीज करेगा फ्रिक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को क्या कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपने दो नाम सुना होगा, एक तो घर्षण, एक आपने सुना है कर्षण, ठीक है। यदि सॉलिड या किसी वस्तु के बीच, ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है तो उसको बोलते हैं घर्षण, यदि लिक्विड के अंदर लगता है तो उसको बोलते हैं कर्षण, और कर्षण को इंग्लिश टर्म होता है ड्रैग, ड्रैग को अपन कर्षण बोलते हैं, ठीक है। ये पूछा गया कि लिक्विड के द्वारा उत्सर्जित घर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, चार बच्चों को बढ़ते क्रम में रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण के कारण बलों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, उसकी व्यवस्था नीचे दी गई सही क्रम बताइएगा। बच्चे थे, बच्चों को कहा था कि ये फोर्स है इनको अरेंज भी कीजिएगा, और ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सा सही क्रम है और कौन सा क्रम उनको बढ़ते हुए क्रम है। तो सबसे पहले जो कम फोर्स होता है उसको, उसके बाद जो ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा वाले फोर्स को अरेंज करना। फोर्स तीन है, रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग। तो अपना आंसर क्या बनेगा? रोलिंग सबसे कम होता है, उसके बाद में स्लाइडिंग, और सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? स्टैटिक। इस तरीके से इनको अरेंज करना है, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक। एक नाव या जहाज, हवाई जहाज का जो नुकीला या टेफलिंग फ्रंट हेड होता है क्यों? कोई भी आप ले सकते हो, इसका जो आगे का सिरा है वो नुकीला होता है, चाहे कोई भी आपने ले ली, जहाज ले ली या कुछ भी ले ली। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तरल पदार्थ के घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए नहीं, नुकीला तो तब करते ताकि कम से कम अपने को एयर रेजिस्टेंस है या जो लिक्विड रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध का सामना कम करना पड़े, घर्षण को कम करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, बिना किसी वजह के। तो अपन जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है उसी के लिए तो अपन इसको नुकीला रखते हैं आगे से। सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या कहे तो एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। और ये जो शेप होती है, इस शेप को कहते हैं अपन स्ट्रीमलाइंड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई महीनों तक इसे पहनने के बाद जूते का तलवा सपाट हो जाता है, क्योंकि जूते होते हैं उसमें नीचे आपने देखा होगा पहले डिजाइनिंग होती थी, अलग अलग शेप बनती थी, लेकिन बाद में बिल्कुल चपटा हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ज़्यादा यूज करने के बाद में घर्षण की वजह से, यानी वो सपाट हो जाती है, घर्षण के कारण घिसना, घर्षण न होने के कारण तलवा खराब गुणवत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अपना वियरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, ये अपना आंसर हो जाएगा। सेविंग मिरर इजी, ध्यान दीजिएगा, कन्वेक्स और कनकेव दो मिरर होते हैं, अवतल और उत्तल, इनको अपने वैसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इनको, ठीक है। अब सेविंग मिरर होता है वो कौन सा होता है? तो वो हमेशा होता है कनकेव, अवतल यहाँ पे काम में लिया जाता है। और कहाँ पे यूज में लिया जाता है अवतल? और ये लिया जाता है जो भी अपनी क्या होते हैं, अपन कहता हूँ हेडलाइट्स होगी, ठीक है, टॉर्च हो गई, इनके अंदर यूज लिया जाता है। तो उत्तल काम पर लिया जाता है, कोई भी गाड़ी मोटर उसका साइड व्यू देखने के लिए ये यूज में लिया जाता है कन्वेक्स। एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ट्रांजिस्टर के निर्माण में अपन क्या काम में लेते हैं? ट्रांजिस्टर का मतलब क्या हो गया? पीएनपी या कहे तो एनपीएन, क्यों? यानी ये एनपीएन क्या है? ये बिल्कुल जंक्शन बनते हैं, किसका? ये सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकों का यूज करके बनाते हैं अपन। तो यहाँ पे जर्मेनियम ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास सिलिकॉन है, तो अपन कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर, डायोड, ये जितने भी है इनको अपन सिलिकॉन के यूज या जर्मेनियम से बना सकते हैं, अर्धचालकों से बनाते हैं। और इसका जो यूज पूछे, ट्रांजिस्टर का यूज किस में आता है? तो आपको बताना है एम्पलीफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की ऊर्जा का सोर्स किसकी प्रक्रिया? द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। देखिए, दो ही प्रकार का होता है, एक तो विखंडन होता है, एक सलयन। तो फोटो इलेक्ट्रिक अपन लेंगे नहीं, थर्मोनिक एमिशन लेंगे नहीं। अब सलयन वो अभिक्रिया होती है जिसमें छोटे छोटे नाभिक मिल के बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और अपने को एनर्जी मिलती है। तो ये तो हो गया सलयन, इसमें हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। विखंडन होता है बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिकों में। विखंडन का एग्जाम है एटम बम,
ठीक है, और सलेन का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम, ये आपको ध्यान में रखना है। सलेन को अपने पृथ्वी पे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इसके लिए हाई टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी के साथ में। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर या मैग्नेटिक फोर्स? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स यानी जो नाभिक के बीच में लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो आपस में बंधे हुए रखता है नाभिक के अंदर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, परमाणु बल। ठीक है, यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंडिंग रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फोर्स, परमाणु बल सबसे स्ट्रांग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, परमाणु रिएक्टर में भारी पानी किसके रूप में यूज किया जाता है, कूलेंट के रूप में, फ्यूल के रूप में, एटॉमिक स्मैशर के रूप में, या मध्यस्थ या मॉडरेटर के रूप में? तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी के साथ में, चाहे ग्रेफाइट हो या D2O, भारी पानी का फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, इन दोनों को अपन यूज में लेते हैं मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर का मतलब होता है नाइट्रोजन को अब्सॉर्प्शन करना, एब्जॉर्ब करना और स्पीड को डाउन करना। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में एक अंतरिक्ष यान में वजनहीनता की अनुभूति किसके कारण होती है, स्पेसक्राफ्ट होता है, स्पेसक्राफ्ट के अंदर वेटलेस महसूस करता है कोई भी एस्ट्रोनॉट होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, बाहर गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति, यानी बाहर ग्रेविटी होती नहीं, ग्रेविटी तो कहीं ना कहीं होएगी, कम होएगी, ये तो हो नहीं सकता, बाहर ग्रेविटेशनल की अनुपस्थिति, एक्सीलरेशन इन ऑर्बिट विच इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा कम है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर जो एक्सीलरेशन है जो इक्वल होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बाहर की तरफ ग्रेविटी है उसके एक्सीलरेशन के बराबर हो जाता है, तो कुल मिलाकर जो टोटल एक्सीलरेशन लगने वाला है वो जीरो हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि बाहर गुरुत्वाकर्षण की उपस्थिति होती है लेकिन अंतरिक्ष यान के अंदर नहीं होती, कक्षा में अंतरिक्ष यान की कोई ऊर्जा नहीं होती, तो यहाँ पे अपना आंसर जाने वाला बी के साथ में, जो वेटलेस महसूस करता है उसके पीछे का रीजन यही है कि ऑर्बिट के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल होता है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन होता है। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रभाव के कारण होता है, कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस क्वेश्चन को मेरा लेने का मतलब ये था कि आपसे कंडक्टर की बजाय, मेटल वायर की बजाय आपसे पूछ लिया कि कोई भी सेमीकंडक्टर है उसमें किसकी वजह से होता है, तो सेमीकंडक्टर में हमेशा जो धारा का प्रवाह होता है, मोशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर आए तो आपको दोनों की वजह से बताना है, और नॉर्मल कंडक्टर पूछे, आपको चालक तार पूछे या कोई भी धातु पूछे, मेटल वायर पूछे, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों की वजह से। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। ठीक है, और वैसे I बराबर अपन लेते हैं DQ/DT, आवेश के प्रवाह की रेट को अपन कहते हैं विद्युत धारा। आंसर हो जाएगा ए। एक ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर सबसे पहले तो ये समझिएगा एक स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस का मतलब ये स्थिर डिवाइस है। ठीक है, इसके अंदर हमेशा चेंजिंग करेगा तो फ्रीक्वेंसी को हमेशा कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, पावर कांस्टेंट रखेगा, वोल्टेज और करंट को चेंज कर देता है, अगर वोल्टेज हाई तो करंट डाउन, करंट डाउन तो वोल्टेज हाई, कुल मिला के इसको अपना वोल्टेज कन्वर्जन के रूप में यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, DC पे कभी भी काम नहीं करता ये, ट्रांसफार्मर हमेशा AC पे काम करेगा। यू टू डिक्रीज आर इंक्रीज एसी वोल्टेज, बिल्कुल सही है, एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने में काम में लेता है, बिल्कुल सही है। कन्वर्ट करता है एसी को DC, कन्वर्जन इसके द्वारा नहीं होता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स भी नहीं करता, तो अपना आंसर हो जाएगा बी के साथ में, बी अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर ध्यान देना एक स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर डिवाइस है। तो ये था अपना सेट नंबर 7, पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, किसी के उसमें डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, अच्छा रेस्पॉन्स देते रहिएगा, कंटिन्यूटी अपन काम करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।